छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा से बड़ी खबर मिल रही है, जहां फर्जी जाति प्रमाण पत्र लगाकर नौकरी करने वाले गीदम रेंज के रेंजर और डिप्टी रेंजर बारसूर को तत्काल पद से हटा दिया गया। वर्षों से फर्जी जाति के दस्तावेज तैयार कर दो अधिकारी नौकरी करते हुए छानबीन में पकड़ाए गए हैं। रेंजर सुखदास नगर और डिप्टी रेंजर मोहनदास मानिकपुरी को जांच होने तक पद से हटाकर डीएफओ ऑफिस पर अटैच किया गया है। प्रधान मुख्य वन रक्षक छत्तीसगढ़ राकेश चतुर्वेदी ने आदेश दिया है जांच का, और जांच के साथ साथ उनके खिलाफ क्या कार्रवाई होगी इस चीज का भी आदेश दिया है। और इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ स्वरा संस्था पंकज सिंह फोन लाइन पे जुड़ गए हैं। पंकज, क्या और जानकारी इस पर मिल पा रही है? दरअसल फर्जी जाति का मामला है, ये जो गीदम के रेंजर हैं जो दासनाग और बारसूर रेंज में काम करने वाले वन परिक्षेत्र अधिकारी डिप्टी रेंजर हैं जो मानिकपुर जी, इनके विरुद्ध में ये जो जाति प्रमाण पत्र है वो फर्जी पाया गया है। और जो छानबीन समिति है, प्रशासनिक समिति ने जो इसकी जांच की है उसमें भी साबित हुई है कि ये दोनों फर्जी जाति लगा करके अपनी नौकरी वर्षों से कर रहे थे। इसीलिए इन दोनों ने जो रिट याचिका हाईकोर्ट में दायर की है, हाईकोर्ट ने स्थगन का आदेश दिया है, तब तक इनको डीएफओ ऑफिस में अटैच किया गया है। लंबे समय से जो अगर जांच में दोनों की फर्जी जाति प्रमाण पत्र साबित होती तो दोनों की सेवा समाप्ति भी कर दी जाएगी। जी चलिए, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए पंकज।